अक्सर गानों को सुनने के लिए या फोन पर बात करने के लिए हम और आप ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, घंटों अपने कानों से उसे चिपकाए रहते हैं। लेकिन अब आपको और हमें सावधान होने की जरूरत है। मनोरंजन की यह मशीन आराम भले ही देती है, लेकिन ये जानलेवा हो सकती है, जान ले सकती है। ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, ये जाहिर हो गया है राजस्थान के चौमू में हुए एक दर्दनाक हादसे से। इस हादसे ने देश भर के लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। पूरी घटना को जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने तरह की ये पहली घटना बताई जा रही है, लेकिन ऐसी अनहोनी और किसी के साथ ना हो, इससे पहले आप इस खबर को सुनिए और सावधान हो जाइए। फट गया ईयरफोन, और हो गई मौत। ब्लूटूथ फोन से रहिए बच के। कान में लगाने से पहले हो जाइए सावधान। जी हाँ, ब्लूटूथ ईयरफोन के आप भी हैं शौकीन तो ठहरिए, आपका गैजेट आपको बर्बाद कर देगा। उसे कान में लगाने से पहले हो जाइए सावधान। क्या आप सोच सकते हैं कि कान में लगे ईयरफोन से आप संगीत की मस्ती में हो और वो अचानक फट जाए? ये कोई कल्पना की बात नहीं, बल्कि एक दुख देने वाली हकीकत है। सावधान हो जाइए, ये बिल्कुल सच है। 16 आने सच। वाकया राजस्थान के चौमू का है। चौमू के उदयपुरिया गांव में ऐसे ही हादसे में राकेश नागर नाम के युवक की जान चली गई। तेज धमाके के साथ उसके कान में लगा ईयरफोन फट गया। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ईयरफोन फटने की घटना होने से सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के आपातकालीन इकाई में आए, उनकी वहां पर मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि युवक अपने घर पर ईयरफोन लगाकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक लाइट कटौती हुई। जैसे ही लाइट वापस आई, इसी दौरान युवक के कान में लगा ईयरफोन तेज धमाके के साथ फट गया। संभवतः देश में इस तरह का पहला मामला सामने आया है, लेकिन इस हादसे ने कान खड़े कर दिए हैं। युवाओं को सावधान कर दिया है कि मौत वाला गैजेट तो वो नहीं खरीद रहे हैं। बताया जा रहा है कि अचानक फटे ईयरफोन से कार्डियक अरेस्ट होने से राकेश की मौत हो सकती है। ऐसे मामलों में सुनते हैं मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट होता है, और मुझे लगता है भारत में ईयरफोन फटने से मृत्यु होने का एक पहला मामला है। डॉक्टरों की माने तो ईयरफोन से आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। ईयरफोन लगाने से कान में खुजली, कान में दर्द और अजीब आवाज आना, कम सुनाई देने जैसी समस्याएं, गंभीर केस में बहरापन और कान का पर्दा फटने जैसी समस्या हो सकती है। ईयरफोन से ज्यादा सुरक्षित हेडफोन को बताया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि एक घंटे से अधिक हेडफोन या ईयरफोन ना लगाएं और वॉल्यूम कम ही रखें। फोन में सुरक्षित वॉल्यूम रेंज नजर आती है, तो ध्यान रखें कि आवाज सुरक्षित रेंज में रहे। सलाह दी जाती है कि अधिकतम 40% ही रखें, वरना थोड़ी सी मस्ती महंगी पड़ सकती है। देखिए, अपने आप में पहली घटना है, लेकिन हर किसी को डराने वाली घटना, क्योंकि ज्यादातर लोग ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चौमू में ईयरफोन कैसे बम बन गया, ये हम आपको पूरी कहानी सुनाते हैं, कैसे हुआ ये। तो देखिए, बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए। दरअसल बात ये है कि गाना सुनते वक्त तेज धमाके के साथ ये ईयरफोन फटा, ये बताया जा रहा है। राजस्थान के चौमू का ये मामला है। ईयरफोन जब फटा, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि युवक के कान से खून बहने लगा था। लाइट गई, लाइट वापस आई, लैपटॉप पर काम कर रहा था, और उस दौरान वहां से ईयरफोन फटता है, जिसके बाद कान से खून निकलने लगता है। इसके बाद लोगों ने इसे अस्पताल ले गए।
अस्पताल ले जाया गया घायल युवक को, और अस्पताल ले जाने के बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, जो ईयरफोन फटा वो केबल वाला ईयरफोन था। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर आप ब्लूटूथ यूज करते हैं तो वो ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन यहां पर केबल ईयरफोन था। कंप्यूटर से कनेक्ट थी ईयरफोन की केबल, यानी लैपटॉप का इस्तेमाल किया जा रहा था और लैपटॉप में ही उसको कनेक्ट किया गया था। अब सवाल यह है कि यह घटना डराती बहुत ज्यादा है, घबराहट पैदा करती है, तो क्या सावधानियां बरतें, वो जरा हम आपको बताते हैं। सावधानियां भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। ईयरफोन इस्तेमाल करते वक्त आप क्या क्या सावधानियां हैं जो बरत सकते हैं, जिससे ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो या किसी के साथ ना हो। ईयरफोन यूज करते वक्त आप फोन जो है उसे चार्जिंग पर मत रखें, यह बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, कृपया चार्जिंग से इसे दूर रखें। दूसरी बड़ी बात, पढ़ाई के दौरान तार वाले ईयरफोन का इस्तेमाल करें। तो पढ़ाई के दौरान तार वाले ईयरफोन का इस्तेमाल करें, ब्लूटूथ ईयरफोन और हेडफोन का लगातार इस्तेमाल मत करें, बहुत लंबे दौर तक तो खासतौर पर आप इसका इस्तेमाल मत करें। एक और बड़ी बात जो हर कोई कहता है कि ब्लूटूथ वाली ईयरफोन जो है उनका इस्तेमाल तो कम से कम किया जाए, वो अक्सर नुकसानदायक होते, कई तरह के नुकसान उनमें होते हैं। ब्लूटूथ को पॉकेट में रखें, जब फोन आए तभी उसको कान में लगाएं, ये नहीं कि आपने लगा लिया है, आप कोई भी काम कर रहे हैं घंटी बजेगी आप उठा लेंगे। इसकी वजह क्या है, हीलियम वाली बैटरी के फटने की संभावना जो है वो ज्यादा रहती है, तो ऐसी संभावनाओं से आप बचें और कृपया अपना और अपनों का ख्याल रखें, और ये जानकारी जो है ये लोगों को बताएं भी, ताकि कोई और व्यक्ति भी ऐसी घटना का शिकार ना हो।